सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से और एक बार हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम अपडेट देंगे अपकमिंग बहुत ही बड़ी दो हिंदी रैप मूवी से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, और ये दोनों मूवी है अर्जुन सर की आला वैकुंठपुरमुलु और महेश सर की महर्षि मूवी। इन दोनों मूवी से जुड़ी बहुत ही बढ़िया हिंदी रैप में अपडेट आई है। तो इन दोनों मूवी के बारे में हम आज इस वीडियो पर बात करेंगे, अपडेट देंगे। वैसे तो तकरीबन 8-10 महीना हो चुका है, हमने कोई भी मूवी की हिंदी रैप से जुड़ी अपडेट नहीं दिया था। जब रिलीज आते हैं तब भी बताता हूँ उस मूवी के बारे में जो भी अपडेट आते हैं। इसके अलावा कुछ साउथ मूवी के बारे में भी अपडेट देते थे। तो रिसेंटली हमने जब कुछ साउथ मूवी के बारे में अपडेट दिया तो उन सब वीडियो पर लोग कमेंट करते हैं कि हिंदी रैप से जुड़ी भी अपडेट दिया करो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, हिंदी रैप से जुड़ी भी अपडेट दे दूंगा। तो आज दोस्तों मैं लेकर आया इन दोनों मूवी के बारे में, महर्षि और आला वैकुंठपुरमुलु मूवी की हिंदी डबिंग से जुड़ी अपडेट आई है। तो मैं सोचा कि इन दोनों मूवी की जो अपडेट आई है वो शेयर कर दो आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो पर इन दोनों मूवी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों मूवी के अलावा और भी कई सारी मूवी के बारे में अपडेट आई है हिंदी डबिंग से जुड़ी अपडेट। तो आगे चल के मैं उन सब मूवी के बारे में भी अपडेट लेकर आऊंगा बहुत जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। तो मैं धीरे धीरे हर वीडियो में एक दो करके मूवी के बारे में अपडेट देता रहूंगा। तो सबसे पहले हम महर्षि मूवी के बारे में बात करते हैं। 2019 में रिलीज हुए एक तेलुगु मूवी थी जिसकी फीचर पर थे महेश बाबू और पूजा हेगड़े। तो दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग बैनर है गोल्ड माइन टेलीफिल्म, और खुशी की बात है कि गोल्ड माइन ने अब इसकी डबिंग पूरी तरह से कम्प्लीट करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो कि इस मूवी पर महेश बाबू सर को आवाज़ दिया है वन एंड ओनली संकेत महात्रे सर, जो कि हम सबका फेवरेट डबिंग आर्टिस्ट है। और दूसरी ओर से पूजा हेगड़े को हिंदी में आवाज़ दिया है मुस्कान जैफरी। तो मुस्कान जैफरी को तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी सारे मूवी में कीर्ति सुरेश को आवाज़ देते हैं, मतलब मैक्सिमम मूवी को कीर्ति सुरेश को ही आवाज़ देते हैं मुस्कान जैफरी, जो कि सॉफ्ट आवाज़ होते हैं। जैसे कि रिसेंटली कुछ मूवी के बारे में बात करते तो डियर कॉमरेड मूवी में भी रश्मिका को दिया था, और तकदीरी मूवी में भी दिया था कल्याणी प्रिया दर्शनी को, और उनका आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह से पूजा हेगड़े को भी महर्षि मूवी में आवाज़ दिया है मुस्कान जैफरी मैम। और दोस्तों, इस मूवी का हिंदी डबिंग सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है सेम टाइटल के साथ, महर्षि नाम से ही रिलीज होने वाला है। तो देखते हैं कि गोल्ड माइन इस मूवी को कब तक रिलीज करवाते हैं। और यहाँ पे अगला मूवी है आला वैकुंठपुरमुलु, जो कि 2020 की एक तेलुगु मूवी है। इसकी मेन फीचर पर है अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े। तो दोस्तों, इस मूवी का भी बैनर है गोल्ड माइन टेलीफिल्म, लेकिन दोस्तों इस मूवी का डबिंग अब शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, डबिंग बस शुरू ही हुआ है, और इस मूवी में अल्लू अर्जुन को वॉइस ओवर कर रहा है संकेत मात्रे सर। जी हाँ, संकेत मात्रे सर का ही वॉइस शूट करते हैं अल्लू अर्जुन सर पर, तो वही आवाज़ दे रहा है इस मूवी पर। और पूजा हेगड़े को कौन आवाज़ देगा ये तो अभी तक कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्कान जैफरी देने वाला है, क्योंकि महर्षि मूवी पर पूजा हेगड़े को दिया है, जो कि गोल्ड माइन की ही मूवी ही है। तो आला वैकुंठपुरमुलु मूवी भी गोल्ड माइन की ही है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि इस मूवी पर भी पूजा हेगड़े को मुस्कान जैफरी ही आवाज़ देने वाला है। तो बस दोस्तों, यही दो अपडेट थी इन दोनों ही मूवी को लेकर। तो इन दोनों मूवी से आला वैकुंठपुरमुलु डब होने पर रिलीज होता है कि नहीं होता है इस साल ये तो नहीं पता, लेकिन महर्षि मूवी इस साल जरूर आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे बात, अगर आला वैकुंठपुरमुलु नहीं आएगा तो क्या हम इस साल अल्लू अर्जुन की मूवी नहीं देख पाएंगे? नहीं दोस्तों, इस साल पुष्पा मूवी आ रहा है जो कि डायरेक्टली हिंदी में भी आ जाएगा, तो उस मूवी को तो हम लोग देख ही पाएंगे, चाहे आला वैकुंठपुरमुलु आए या फिर ना आए इस साल। सो दोस्तों, आज की वीडियो का सफर बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो को पसंद आई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।